हिट एंड फिट ग्रुप बट्टूकला द्वारा गांव बट्टूकला गौशाला से लेकर गोगामेड़ी राजस्थान तक नशा मुक्त भारत जागरूकता साइकिल यात्रा निकाली गई। यह यात्रा गांव बट्टूकला से शुरू होकर गांव ढाबी खुर्द जानवाला बागड़ चारवाड़ा रामपुरिया बगड़िया कुमारिया खेड़ी गुसाइना नेठराना होते हुए गोगामेड़ी पहुंची। हर गांव में साइकिल यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। साइकिल यात्रा के सदस्यों ने सभी गांवों में जगह जगह कार्यक्रम करते हुए नशा मुक्त समाज हेतु अपने अपने वक्तव्य के द्वारा समाज को जागरूक किया। इस अभियान के संयोजक रविंद्र ढाका नम्रदार रंजित साई दिनेश फौजी कमांडो सुरेश फौजी कमांडो नरेश बुडानिया निदेशक बालाजी पब्लिक स्कूल नरेंद्र साई प्रमोद घोटड़ राजेंद्र दुबका सतवीर नरेश घोटड़ कृष्ण बुडानिया जगत पाल गुजर कागदाना से संजीव पुनिया ने ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बढ़ता नशा हमारे देश के लिए बहुत घातक है। इन दिनों युवा नशे की चपेट में अधिक आ रहे हैं, इसलिए हमें युवाओं को नशे से बचाने के लिए उन्हें खेलों से जोड़ना होगा। इस दौरान गांव ठुइया गौशाला में पूर्व सैनिक जयपाल गाँव जानवाला बागड़ में गौशाला कमेटी सदस्यों चारवाड़ा में हरपाल ढाका दिलबाग ढाका अशोक जाखड़ कागदाना में एनसीएम स्कूल संचालक संजीव पुनिया सुनील पुनिया और उनके स्टाफ गांव नेठराना में मांगेराम गोदारा अरिहंत स्कूल एकलव्य एकेडमी तथा नेठराना गांव के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के दौरान ढाबी खुर्द व गांव खेड़ी में शहीद स्मारक पर ग्रुप सदस्यों ने शहीदों को नमन किया। कागजों में काम नहीं करना है या बात नहीं करनी, सिर्फ ग्राउंड में काम करना है। ग्राउंड में काम कैसे होगा? अगर हमें हमारे बच्चे को बचाना है तो उसको खेल के मैदान से जोड़ो, उसको पढ़ाई से जोड़ो, उसके साथ कनेक्ट हो। मांगेराम जी ने कहा कि हम कनेक्ट नहीं होते हैं, युवा पीढ़ी के साथ हम कनेक्ट नहीं है। हम हमारा समय हमारे हिसाब से व्यतीत करते हैं, बच्चे से दूरी रखते हैं। उस बच्चे से आज हम दूरी रखेंगे, कल वो बच्चा हमसे दूरी रखेगा। पहले होता था, मैं खुद शामिल हूँ उसमें, हम बाप बेटे के पेट चारों बैठ के पांच मिनट से बात उठाई नहीं कर सकते। पहले बार ये पहला समय और था, अभी समय और है। समय में बदलाव आ गया है। अभी हमें हमारे बच्चे को मित्र बनाना है। अगर हम हमारे बच्चे को मित्र नहीं बनाएंगे तो दिक्कत आएगी। उसके जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, उसकी जैसे जैसे दोस्ती बाहर बढ़ेगी, उसके में चेंज आएगा, बदलाव आएगा। और एक खास बात और, हमारे समाज की बात हूँ आपको, मैं रियलिटी हमारे साथ एक